प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऐसे गरीबों के लिए है जिनकी आमदनी बहुत कम है और अभी तक उनको किसी भी तरीके से दुर्घटना की स्थिति में कोई बीमा का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐसे गरीबों के लिए जिनको एक्सीडेंट में बीमा मिल सके, योजना का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के जीवन को कम प्रीमियम देकर सुरक्षा बीमा प्रदान करना है और एक्सीडेंटल बीमा कवर कराना है। इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति का बीमा किया जाता है और वार्षिक प्रीमियम के रूप में साल में 12 रुपए देना होता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि उस व्यक्ति का एक ही बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बच्चे थे वो जो है बड़ा दिक्कत में वहाँ गए थे, 7 महीना बहुत परेशान भी रहे। जब हमको बीमा मिला तो उस समय बहुत हमारे बच्चों को और हमको बहुत राहत मिली। खत्म हो गए, मेरे बड़े भाइया थे, खत्म हो गए। तो उसके बाद में हमने देखा उसमें बीमा था, लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया सही से इसका कागज पत्र बनाओ, तो हम बनवा के फिर देखा सुना तब इसमें बीमा हमको मिला। फिर हमने बीमा मिला उसी से हम अब बहुत परेशान थे, तो जब बीमा मिला उसी से हम लोग यापन कर रहे हैं। वो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने दूरदर्शन को बताया कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर ऐसे खाते खोलकर बीमा के प्रीमियम की धनराशि उनके खाते से काटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आम व्यक्ति के लिए है, खासकर अल्प आय वर्ग के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, जिसमें 1 रुपया प्रति माह के हिसाब से उसका बीमा हो सकता है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम तहसीलों में SDMs के साथ और ब्लॉक्स पे BDOs के साथ मेरे द्वारा बैठक करी गई। जिले पे जो हमारी बैंकर्स की बैठक होती है उसमें बैंकर्स को बताया गया कि एक विशेष काउंटर खोल के लोगों को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के लिए सबसे पहले तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। इन्हीं प्रयासों के चलते हुए 60,000 से अधिक लोग हमारे यहाँ हरदोई में इस योजना के लिए इन्वॉल्व हुए। साथ ही साथ जो क्लेमेंट्स हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो बैंक की नियमित मॉनिटरिंग करी जाती है कि उनके पास जो भी क्लेम आए हैं उसको वो तत्परता से त्वरित गति से उनका निस्तारण कराएं। यदि उसमें किसी भी प्रकार की जांच होनी है तो उसको समयबद्ध रूप से कराएं, जिससे जो गरीब व्यक्ति है उसको उस बीमा का लाभ तुरंत बिना किसी परेशानी के मिल सके।